Hello students, this is Sushil Rajbhar, author of Medicas Miracle. Today I am going to discuss topics which are most important for studying for last 10 days before NEET. So Medicas Miracle mein aise bahut se topics hain that are important, but ab aapke paas keval 10 din ka samay hai, only 10 days you have. So aapko selective study karni padegi इतनी अच्छी बुक से भी, इसमें से भी रिफाइंड स्टडी करनी पड़ेगी. तो टुडे आई विल टेल यू अबाउट दैट टॉपिक्स. सो सबसे फर्स्ट चैप्टर है टिप्स फॉर प्री मेडिकल प्रिपरेशन एंड मेडिकल काउंसलिंग. इसमें से केवल एक चीज़ पढ़ना है आपको, व्हाट टू ईट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है. और उसके बाद सेकेंड चैप्टर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स 11th एंड 12th इन नीट. तो सेकेंड चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी. ये तीनों आपको पढ़ना है बिकॉज ये टॉपिक्स ही आपको एक डायरेक्शन देंगे रिवीजन करने के लिए. और इन टॉपिक्स को सबसे पहले रिवाइज करिए बिकॉज दे आर स्पेशल टॉपिक्स फॉर नीट. इन टॉपिक्स से पहले के क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, तो हम इन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करेंगे. उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5, फिजिक्स ट्रिक्स. फिजिक्स ट्रिक्स आपको पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस करते समय इन ट्रिक्स को अप्लाई करिए. और ये फिजिक्स ट्रिक्स को आप जितना यूज़ करेंगे, यू विल बी एट एज ओवर फ्रॉम अदर एस्पिरेंट्स, ओके. उसके बाद आपको आपके केमिस्ट्री ट्रिक्स चैप्टर नंबर 6. केमिस्ट्री ट्रिक्स वाले चैप्टर में क्या है कि आपके नेमेनिक्स दिए हुए हैं, ट्रिक्स दिए हुए हैं, केमिकल इक्वेशन ईजी फॉर्म में दिए हुए हैं, एंड विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर रिवीजन, ओके. आफ्टर दैट एक्स्ट्रा इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एक्स्ट्रा इज इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बोथ चैप्टर आर वेरी हैंडी फॉर रिवीजन. इट इज ऑल्सो हेल्प, बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट नीट, तो सो जस्ट फोकस ऑन नीट. सो एक्स्ट्रा इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एक्स्ट्रा इज इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बोथ इन बोथ चैप्टर यू विल फाइंड टेबल्स, फ्लो चार्ट्स एंड वेरियस थिंग्स विच विल हेल्प यू इन क्विक रिवीजन. सो जस्ट स्टडीज चैप्टर नंबर 7 and 8. And in chapter number 9, you will get lots of biology tricks, lots of mnemonics, lots of tricks, mnemonics, and short terms. Or there is some story type, something related to biology for remembering examples and various facts related to biology. especially we have given focus to NCERT as biology mein NCERT hi aapka sab kuch hai. After that there is chapter number 10, aur chapter number 10 mein hai extra is in biology. Extra is in biology mein humne kuch important topics rakhe hain, very important topics, jiske kuch concepts ko humne कॉन्सेप्ट मैप फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है, तो वो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा. आफ्टर दैट वी हैव चैप्टर नंबर 11. चैप्टर नंबर 11 में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी. दिस सेलेक्टेड एनसीईआरटी के डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मेनी ऑफ यू कैन रेज क्वेश्चन डाउट दैट कुछ सालों से डायग्राम तो नहीं आ रहे हैं, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है. तो डायग्राम का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि हम कई बार कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो हम केवल डायग्राम देख लेते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें हमको रिकॉल करने में हेल्पफुल होता है. तो डायग्राम ज़रूर देखें. और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले डायग्राम ही लास्ट चीज़ वो हो जो देखें. एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर कुछ देखना है तो वो डायग्राम देखें, बिकॉज उस डायग्राम से आप मोर देन 50% चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी हैव चैप्टर नंबर 12, सिली मिस्टेक्स डन इन एग्ज़ाम. सिली मिस्टेक्स वो चीज़ वो होंगी, वो है जो बच्चे जनरली पीएम एग्ज़ाम के दौरान करते हैं, तो उसको आप स्टडी करिए, पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले 10 days पहले, तो आप कई मिस्टेक्स को अवॉइड कर देंगे वैसे जो आप करते, ओके. आफ्टर दैट नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. ये रैपिड रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है. बुलेट पॉइंट्स में हमने शॉर्ट डाउन कर दिए हैं.